के दक्षिण राजस्थान के आदिवासी अंचल में बालकाल से विद्यार्थी जीवन से ही लगातार सक्रिय रहते हुए, चाहे वो छात्रों का विषय होगा, आदिवासियों का विषय होगा, समाज का विषय होगा, उसको लेकर के संघर्ष करने वाले दो बार सांसद रहे, चौथी बार विधायक रहे, दो बार राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, बांसवाड़ा में दो बार जिला प्रमुख रहे, तीन बार से आपकी पत्नी वहां जिला प्रमुख है, ऐसे उस क्षेत्र के जाने पहचाने, क्षेत्र का नेतृत्व उस क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन करने वाले श्रीमान महेंद्र जी सिंह जी मालवीय आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और हम सबके साथ एक भारतीय परिवार बन रहे हैं। मैं सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि दुपट्टा पहनाकर महेंद्र सिंह मालवीय सर को पार्टी ज्वाइन करने की स्वागत है। हमारी सहायक वाली विजय से हरकर जी से आग्रह करूंगा कि गुलदस्ता लेकर के पूर्व नेता राठौर साहब को पटका दो, पटका आजो काके आजो बैठो सब लोग, मना आका जी सब लोग दुपट्टे देओ ना, चलिए बैठिए बैठिए बाद में चले। बोलना पहले बोल तो दे, पहले ये सारी एक बार जाओ पहले बोलो विराज अध्यक्ष प्रदेश आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के माननीय सांसद और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय विजया जी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय नारायण पंचारिया जी, पार्टी के महामंत्री भाई मोतीलाल जी, भाई सुशील जी, कन्हैया जी और जिस नियमित आज सब लोग एकत्र आए हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे वागड़ क्षेत्र के मेवाड़ के वरिष्ठ नेता जो एक बार सांसद रहे, चार बार विधायक रहे और दो बार कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार पांच बार से जिला प्रमुख, आपके परिवार आप और आपकी पत्नी बनी हैं और विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को उनके नेतृत्व से ही प्रभावित होकर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी इकाई की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार करता ध्वनि से महेंद्र सिंह जी मालवीय का, जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो किया है
वो अभूतपूर्व है। उस क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में 10 वर्षों में चाहे आदिवासी क्षेत्र में रेल लाइन को लाया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई, उस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बना तो मोदी जी की सरकार लेकर आई, उस क्षेत्र में पासपोर्ट ऑफिस खुला तो मोदी जी की सरकार लाई, उस क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल आए तो मोदी जी की सरकार लेकर आई, उस क्षेत्र में हाईवे आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई, उस क्षेत्र में हर गरीब के घर में शौचालय बना, हर गरीब को मकान मिला, हर बहन के उज्ज्वला का कनेक्शन मिला, हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुला, उस क्षेत्र में बंधन योजना कोई लेकर आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई, उस क्षेत्र में राजीविका योजना कोई लेकर आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई, और इस देश में प्रथम नागरिक के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के रूप में आज देख रहे हैं तो मोदी जी की पहल है। तो इन सारी बातों से प्रभावित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है वह अकल्पनीय अद्भुत है, और आज महेंद्रजीत मालविया जी जो क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा परिवार, हम सब लोग कल ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से आए हैं, निश्चित रूप से इस देश में चाहे G20 हो, चाहे नए संसद हो, चाहे नारी बंधन अधिनियम हो, चाहे इस देश में अनेक ऐसे काम हो जिसको देश वर्षों से इंतजार कर रहा हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे हर गरीब को प्राथमिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी हो, चाहे महिला का उत्थान हो, चाहे युवाओं के सपनों की उड़ान हो, चाहे गरीब हमारे अन्नदाता हो, चाहे किसान के क्षेत्र में उसकी खुशहाली के लिए जो काम हुए हैं वो अकल्पनीय है, और इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर आज महेंद्रजीत मालविया जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और ये कहा कि मानगढ़ धाम में उस क्षेत्र का डेवलपमेंट, और देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां सर झुकाने आए हैं, वहां दोग लगाने आए हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इन सारे कामों से प्रभावित होकर आज महेंद्रजीत मालविया जी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रही है। मैं पुनः उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। अखिल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी अरुण सिंह जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और नौजवान प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मेरे भाई सीपी जोशी जी, सब प्रभारी जी, जिया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, मेरे बड़े भाई जो लंबे समय से हम साथ में रहकर काम कर रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब, नारायण जी, अमर वागड़ के नेता और पूर्व मंत्री सुशील जी, मोतीलाल जी, महामंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार के तमाम साथियों, मित्रों, तमाम संगठन के पदाधिकारी, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, कल शाम को दिल्ली में अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई, और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय सीपी साहब का, आदरणीय राठौड़ साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरी इस प्रवेश को लेकर आप दोनों भाई का भी मुझे बहुत सहयोग रहा है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 1977 में मैं गांव से पैदल चल के आया, ये इतिहास की घटना है।
रिसर्च के रूप में एडमिशन लिया और 9th and 11th के अंदर इतिहास का डिग्री पढ़ रहा था। स्कूल का प्रेसिडेंट बना एबीवीपी के ट्रेनर थे। फर्स्ट ईयर में गया कॉलेज में, सेकेंड ईयर में गया कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए और थर्ड ईयर में जब गया तो कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना। पूरा बांसवाड़ा जिला का ग्रामीण अंचल का विद्यार्थी मेरे साथ साथ सभी में विद्यार्थी परिषद के बेनर से गए कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। और इसके बाद उस समय तक भारतीय मजदूर संघ के साथ रहा। कुछ समय के बाद में मैं गांव का सरपंच बना और सरपंच एक दिन नहीं रहा और प्रधान बन गया। और ये प्रधानमंत्री निर्दलीय रूप में बनना पड़ा, कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं मिला। फिर सेकेंड बार मौका मिला, फिर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। और प्रधान रहते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 1998 में और 1,14,570 वोट से मैं जीता। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर में समय हुआ। इसके बाद वापस आया, मैं 2 बार लगातार जिला प्रमुख बना और जिला प्रमुख के बाद में मैं 4 बार का विधायक रहा और वर्तमान में मैं विधायक हूँ। उस समय के बाद में शायद मैं नहीं रहा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है, डबल इंजन की सरकार, देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की तो ताकत बढ़ी है। हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया और आदरणीय मोदी साहब। मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर डायलॉग रहता है, वहां का भी अगर मुझे मदद करनी है, तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे आदिवासी साहब ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में एक लंबी छोड़ी बात यहाँ पर रखी है, ये सब सुन के स्तब्ध रह जाते हैं कि देश जिस प्रगति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन और अमित शाह साहब का उद्बोधन हम सबको रोंगटे खड़े करने वाला उद्बोधन था। और उस उद्बोधन को देश तो देख ही रहा था, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान कहां जा रहा है, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, हिंदुस्तान कितना ताकतवर बन गया। ये तमाम चीजें कल देखने को मिली, इन तमाम चीजों से मैं प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर मैंने कहा कि मैं एक बार फिर अपने पुराने घर में जाऊं और पुराने घर में जाकर सुभागढ़ अंचल का, मेवाड़ अंचल का और सभी का, सभी समाज का मैं कैसे भला कर सकता हूँ, कैसे मैं विकास कर सकता हूँ, ये बात भी संसद से कह सकता हूँ। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मंदिर को मानने वाला आदमी हूँ, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूँ। वहां पर गणेश्वर का बहुत हमने काम किया, मानगढ़ का हमने बहुत काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ पे आए 17 नवंबर 1913। मीडिया के साथियों से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तारीख है 17 नवंबर 1913 को प्रातः 7:30 बजे उस मानगढ़ के ऊपर गोली चली थी, अंग्रेजों ने गोली चलाई। प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, वो उन 1,500 शहीद हो गए थे, उनको नमन करने के लिए मानगढ़ आए और मानगढ़ पड़ा रहे थे। वहां का साधु संत गोविंद गुरु के अनुयायी और आदिवासी समाज बहुत गदगद हो गया कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। आज तक इतना बड़ा व्यक्ति वहां पर कोई नहीं आया।
प्रथम बार और प्रथम प्रधानमंत्री उस मानकर की धरती पे आकर हमारा सबका और इस देश का गौरव बढ़ा दिया, ये हमारे लिए बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। मैं इस अवसर के ऊपर हमारे प्रभारी जी बैठे उनसे मेरा निवेदन है, प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, चतुर्वेदी से मेरा निवेदन है, साहब से और राठौड़ साहब से सबसे मेरा अपील है और मीडिया से भी मेरी अपील है कि आज नहीं तो कल ये मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए। ये हमारे मान है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ और यहीं से इस बात की अपील करता हूँ कि मानगढ़ बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें ताकि जो शहीद हो गए इनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। बहुत ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूँ। आज तमाम हमारे नेताओं से मेरा अपील है, रतलाम से लगाकर बांसवाड़ा वाया डूंगरपुर तक की हमारी रेल का काम अधूरा है, स्टार्ट हुआ है, स्वीकृत हो गया, स्वीकृत हो गया है तो बहुत खुशी है, स्वीकृत काम बहुत जल्दी से पूरा हो ताकि वहां की जनता को रेल का फायदा मिले। पीएम गति शक्ति योजना में स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गए, योजना में स्वीकृत हो गया, इस उनके बहुत खुशी है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ वागड़ में बहुत पानी है, वागड़ में बहुत मार्बल है, वागड़ में बहुत उद्योग धंधे चल सकते हैं, वहाँ 12 महीना मक्का का उत्पादन हो रहा है। अगर रेल वहाँ से निकल गई तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान का चिरापुंजी है और आने वाले समय में राजस्थान का काश्मीर बनेगा वो वहाँ पूरा जिला और वागड़। निश्चित रूप से यही अपील करूँगा कि डबल इंजन की सरकार इन तमाम कामों को पूरा करेगा। इसी तरह से प्रतापगढ़ से लगाकर लाहौर तक की नेशनल हाईवे, उदयपुर से लगाकर रतलाम तक की नेशनल हाईवे और कितने काम गिना हो, काम गिनाते गिनाते सरकार की योजनाओं पर थक जाएंगे, काम को नहीं गिना पाएंगे, इतनी योजनाएं। मैं इस अवसर के ऊपर एक बात और कहना चाहूंगा कि इस परिवार के लिए मैं पुराना था लेकिन आज नया हूं। मैं यहीं से मेरे कार्यकर्ताओं जो आज वागड़ के अंचल के टीवी में बैठ के आज के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनसे मेरी अपील है कि मेरे होते हुए कोई कार्यकर्ताओं का अपमान, कोई कार्यकर्ताओं का नुकसान किसी कीमत के ऊपर नहीं रहेगा और कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। जो समय जो शेष रहा है जिंदगी का वो स्वर्णिम काल रहेगा और निश्चित रूप से लगातार हमारी सरकार राजस्थान के अंदर भी रिपीट करेगी, देश के अंदर भी रिपीट करेगी और देश और दुनिया को हम दिखा देंगे कि भारत क्या है और भारत के प्रधानमंत्री क्या हम दिखा देंगे। बस यही बात इस अवसर के ऊपर आप सबके प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। एक पड़ाव में कहना चाहता हूँ साहब कि मानगढ़ के ऊपर अंग्रेजों को जो भगाया था, मानगढ़ के ऊपर अंग्रेजों को भगाया था उस वक्त वहां के आदिवासी तो गुरु गोविंद ने भजन गाया था कि मानगढ़ मात वेरा है बुवेटिया नए मानो रे नए मान, दिल्ली मा मारी कुर्सी है अहमदाबाद मारी जाजम है बुवेटिया नए मानो। अंग्रेज को कहा था कि एक न एक दिन दिल्ली में मेरी कुर्सी होगी और मानगढ़ के ऊपर न्याय अन्याय का फैसला होगा तो देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया। इस अवसर के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा सभी को कि हम सबको मिलकर बहुत जल्दी जो चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव के अंदर जुटे और जो लक्ष्य रखा 370 का और इंडिया का 400 का उस कार्यक्रम के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। यही बात है कि अपनी बात को समाप्त करता हूं।